Hey class 12, this is English Bulk and we are at the lesson Lost Spring of class 12 and we are here at the second part. अब ये जो सेकेंड स्टोरी है हमने इसमें फर्स्ट स्टोरी में पढ़ा था कि एनिस जंग एक रैग पिकर बच्चा जो सीमापुरी में रहता है उस बच्चे से मिलती है और उसकी लाइफ के बारे में हमें बताती है. नेक्स्ट स्टोरी हमारी जो है वो मुकेश की स्टोरी है और उसमें मुकेश की जो फैमिली है वो ग्लास कांच की चूड़ियां बनाती है. अब ये जो स्टोरी है वो फिरोजाबाद नाम की जगह की है. फिरोजाबाद आपको पता है आगरा के पास में है और फिरोजाबाद जो है वो ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है. ग्लास इंडस्ट्री मतलब कांच की जो भी चीजें बनती है वो यहाँ बनती है और सबसे बेस्ट होती है फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां. लेकिन उन सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियों के बीच में के पीछे जो इनको जो बनाने वाले हैं उनकी जो स्टोरी है वो अम्मी इसमें जो लेखिका है वो बताती है. इसके सेकंड पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं. तो यहां से ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है यहां से. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. आपकी बुक का जो पेज नंबर 23 है पैनोरामा बुक का फ्लेमिंगो का पेज भी जो चैप्टर का थर्ड पेज है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. अब यहाँ पे मास्टर यहाँ से आया था साहिब से कि साहिब जो है वो अपना मास्टर नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि साहिब अब चाय की जो एक स्टॉल है वहां पे काम करता है लेकिन मुकेश जो है वो अपना खुद का मास्टर है क्योंकि वो कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही अनाउंसेस डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क. अब आई यहाँ पे कौन है? लेखिका है एनिस जंग और वो एक नए बच्चे से एक अलग बच्चे से मिलती है जिसका नाम होता है मुकेश. और मुकेश और साहिब की स्टोरी को अब यहाँ पे फिर से कंपेयर किया गया है ना. तो मुकेश जो है थोड़ा बड़ा बच्चा है. साहिब तो छोटा था मुकेश थोड़ा बड़ा है और वो खुद का मास्टर है. वो अपना काम करता है. अभी तो वो कहीं पे काम कर रहा है एक मोटर मैकेनिक है और वो कहता है कि मैं जो है बड़ा मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. कार्स के बारे में कुछ जानते भी हो? आई आस्क. आई आस्क कौन है यहाँ पे? राइटर एनिस जंग. ये कहती है मैंने पूछा क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. कार चलाना सीख लूंगा. अभी तो सिर्फ मोटर मैकेनिक है. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. मेरी आंखों में देख के जवाब दिया उसने. हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. It is the center of India's glass blowing industries where families have spent generations working around the furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब इसको समझते हैं हम. I will learn to drive a car. कार चलाना सीख लूंगा मैं. अभी तो ये बहुत गरीब है बच्चा. एक सिर्फ मोटर ठीक करनी आती है, मोटर मैकेनिक है लेकिन वो चाहता है कि वो बड़ा मोटर मैकेनिक बने, कार का भी मैकेनिक बने. आई विल लर्न. ड्राइव करना तो सीख लूंगा. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट. आंखों में देख के जवाब दिया. मतलब इस बच्चे में कॉन्फिडेंस था. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक मिराज. लेकिन उसके जो ड्रीम्स है वो एक मिराज की तरह. मिराज क्या होता है? आपको पता है वो एक हिरन होता है. कस्तूरी मृग कहते हैं उसको. उसकी जो नाभि होती है ना उसके अंदर एक कस्तूरी होती है. तो मतलब कोई ऐसी चीज जो ओझल हो जाती है. जैसे हमने रामायण देखी अभी, उसमें वो जो स्वर्ण मृग होता है वो क्या होता है? वो बस लालच देने के लिए होता है. वो एक सपने जैसा होता है ना जिसको देखकर सीता कहती है. तो मिराज उसी तरह की चीज को कहते हैं, है ना. तो ये जो इसका जो ड्रीम है मुकेश का एक मिराज की तरह है जो कि डस्टी जगह फिरोजाबाद में रहता है. फिरोजाबाद में डस्ट होती है. किस चीज की डस्ट होती है? कांच की. जो कांच के छोटे छोटे कण होते हैं,
कांच को शेप दिया जाता है, फिर उसकी पॉलिश होती है, उसको ब्रश अप करना पड़ता है ना, घसना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कांच के कण होते हैं, तो वो कांच के कण जो है बिल्कुल डस्टी होता है, लेकिन वो कांच होता है, तो वो कभी आंख में घुस जाता है, कभी कहीं, मतलब ये काम भी बहुत तकलीफ देने वाला होता है, जो कांच की चूड़ियां बनती है ना वो। और यहाँ फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार ये काम करता है, हर कोई भट्टी में कांच को गर्म करते हैं। आप सोचो कि कांच को जितना गर्म कर देती है वो भट्टियां कितनी गर्म होती होगी, कांच को पिघालना और उसको दूसरे शेप में डालना, सोचो कितनी गर्मी होती होगी, कितना हीट होता होगा वहां पे। वेल्डिंग ग्लास मतलब उसको कोई शेप देना ग्लास को, मेकिंग बैंगल्स और उनकी चूड़ियां बनाना, तो ये काम जो है बहुत खतरनाक है, इसमें हेल्थ का बहुत रिस्क होता है, लेकिन फिरोजाबाद में कई गरीब परिवार है जो ये काम करते हैं। मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही एक है। नन ऑफ देम नोज दैट इट इज इलीगल, इनमें से किसी को पता नहीं है कि ये इलीगल है छोटे बच्चों से ग्लास फर्नेस के पास काम करवाना, इतने हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे कमरों में जहां लाइट भी नहीं है ना हवा है, वहां पर ये बच्चे भट्टियों में कांच को पिघलवाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ये काम करते हैं, मतलब पूरा परिवार काम करता है, तो बच्चे छोटी उम्र से ही इस काम में लग जाते हैं। दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, अगर यहाँ पर लॉ लगा दिया जाए, कानून पता चल जाए ना कि छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो 20,000 बच्चे जो हैं इन छोटे छोटे कमरों में से बाहर निकल कर आएंगे और दिन की रोशनी देखेंगे, उनके घरों में लाइट भी नहीं होती है, ठीक है, बस इस भट्टी में वो पिघालते हैं कांच, और मतलब बहुत दुख भरी लाइफ है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और क्या होता है जब ये बचपन से ये काम करते हैं तो क्या होता है, कांच का छोटा छोटा चूरा जो होता है, जो बारीक बारीक जो टस्ट होती है कांच की, वो इनकी आंखों में जाती रहती है, तो कई लोगों की तो आंखें ही चली जाती है, अंधे हो जाते हैं इसमें। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, तो मुकेश से भी इसी तरह जान पहचान कर ली लेखिका ने, जैसे साहिब के साथ की थी, ताकि उसके बारे में और जान सके। इनको बहुत दया थी, भाव थी मन में कि भाई इन गरीब बच्चों के बारे में उनको पता हो, और हमें भी काफी पता चला इस स्टोरी से। चलिए अब मुकेश की आईज जो है, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब अपनी अपने घर ले गया मुझे, तो उसकी आंखों में एक चमक थी, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, वो बड़े गर्व के साथ कह रहा था कि मेरा मकान जो है ना, वो हमने अभी अभी उसको फिर से रिपेयर किया है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, ये कहती है जब उसके घर जा रही थी तो रास्ते में जो है ना पूरी गार्बेज की, पूरी कचरे से भरी हुई पूरी जगह थी, पूरी गलियां थी, लेन मतलब छोटी गली, पास्ट होम दैट रिमेन्स होवल विथ क्रम्पिंग वॉल्स, ऐसे घर जहाँ पे ऐसी दीवारें थी जो कभी भी गिर सकती है, वो भी डोर्स डोर्स भी हिल रहे थे, लोहे के डोर थे वो भी हिलते हुए, नो विंडोज कहीं खिड़की नहीं, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमन एंड जानवर इंसान एक साथ ही भेड़ बकरियों की तरह रह रहे थे, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट, वो ऐसे एग्जिट कर रहे थे जैसे प्रीमेवल, जब नया नया इंसान बनाया था भगवान ने, जब इंसान जानवर सब एक जैसे थे ना, वो उस तरह से रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर, एक डोर के पास में वो रुक गया, मुकेश के साथ लेखिका उसके घर जा रही है। वन सच हाउस बैंग्स अ वूबी डोर, और बड़ा लात मार के गेट को खोला उसने, आयरन लोहे का डोर था, विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, धक्का दे के खोला उसको। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, और उस आधे बने हुए घर में वो पहुंचे, आधा ही बना हुआ था, वो ऐसे में ही रह रहे थे। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास, एक तरफ घर के एक तरफ की छत में सिर्फ घास फूस लगी हुई थी, इज अ फायरवुड स्टोव, अच्छा घास फूस से बना हुआ, वो काउडंग से वो गोबर वगैरह से बना हुआ एक चूल्हा था, फायरवुड स्टोव, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें जो पालक है वो उबल रहा था, सिजलिंग पालक, सिजलिंग स्पिनच लीव्स, उसमें पालक की उबलने की खुशबू आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और एक बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटें पड़ी थी जिनमें सब्जियां कटी हुई पड़ी थी। अ फ्रायल यंग वुमेन, एक पतली दुबली सी औरत कुछ खाना बना रही थी, मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार का खाना बना रही थी। थ्रू
आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, उसकी आंखों में धुआं घुसा हुआ था। आपको पता है जब पुराने जो काउडंग वाले जो चूल्हे वगैरह होते थे उनमें एक एक ऐसे एक होल एक पाइप जैसा कुछ होता था, उसमें फूंक मारते हैं और उससे उस चूल्हे को इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और वो उसकी आंखें जलने लग जाती है। ठीक है, तो उसी तरह का एक सीन है, चूल्हे के पास में बैठी है पतली सी औरत और वो सबका खाना बना रही है, बहुत सारे लोगों का। वो कौन है? नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा उम्र में नहीं है वो, छोटी सी लड़की है लेकिन वो शादीशुदा है। शी हैज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, उसको रिस्पेक्ट दिया गया घर में कि वो एक बहू है। द डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 men, 3 लोगों का ध्यान रखती है, 3 तो उसके और बाकी औरतें भी हैं, 3 men का चार्ज है उसके पास में, एक हस्बैंड मुकेश और उसके उन दोनों के पिता, मुकेश की भाभी है वो। देन द ओल्डर मैन एंटर्स, जैसे ही घर में बूढ़ा आदमी आता है, शी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है, एंड वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट निकाल लेती है, वेल घूंघट एज अ कस्टम, ये कस्टम है कि डॉटर इन लॉस को वेल रखना पड़ता है अपना फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जब बड़े लोग बड़े आदमी जब घर में आते हैं तो अपने सर को घूंघट निकाल के रखना होता, कस्टम है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ट बैंगल मेकर, अब इनमें जो सबसे एल्डर आदमी है वो बड़ा एक्सपर्ट बैंगल मेकर होता है क्योंकि सारा परिवार यही काम करता है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, क्योंकि उसने कई सालों से यही काम किया है, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। अब मुकेश के पिताजी से बात करती है तो कहते हैं पहले मैं तो एक जगह कहीं टेलर का काम करता था, फिर मैंने चूड़ियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक मैं अपने आधे बने हुए घर को पूरा नहीं बना पाया हूँ। सेंड हिज टू सन्स टू, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया, ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस, वो सिर्फ इतना ही मैनेज कर पाया कि उनको वो आर्ट सिखा दी, वो कला सिखा दी चूड़ियां बनाने की। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, ये कौन बोल रहा है? ये मुकेश की दादी माँ बोल रही है कि ये जो मुकेश के पापा हैं ये कुछ नहीं कर पाया, घर टूटा हुआ उसको भी सही नहीं कर पाया और कुछ नहीं किया, पहले कहीं टेलर था, अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाया, ये सारी बातें जो है वो राइटर से। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ कहती है ऐसे ही कर्म करें, इसने कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, ना तो बच्चों को स्कूल भेज पाया ना घर सही कर पाया, मतलब ऐसे लेडीज बोलती है ना, ओल्ड लेडीज इसी तरह से बोलती है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जो मुकेश की दादी है उन्होंने देखा था उनका खुद के जो हस्बैंड थे वो सिर्फ ग्लास को पॉलिश करते थे, बैंगल्स को पॉलिश करते थे, तो उसके डस्ट की वजह से वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए ना। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान का दिया हुआ है कि ये लाइनेज है, लाइनेज मतलब पूरा परिवार यही काम करता है, तो क्या ये ब्रोक हो सकता है? नहीं हो सकता। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा, सिर्फ कांच की चूड़ियां पड़ी होती इनके घरों में। इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद स्पाइरल बैंगल्स, सिर्फ ये जो भी गरीब लोग होते हैं फिरोजाबाद में रहने वाले वो सबके घरों में चूड़ियां ही चूड़ियां पड़ी होती है, सनी गोल्ड पैडी ग्रीन, कहीं पे ग्रीन कलर की, कोई येलो कलर की, गोल्ड कलर की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ रेनबो, मतलब सारे के सारे कलर्स रेनबो के होते हैं। लाई इन द माउंट इन अनकेप्ट यार्ड, घरों में पड़ी होती है यार्ड्स में बहुत सारी चूड़ियां, पाइल्ड ऑन 4 wheeled हैंड कार्ट्स, अब ये जब चूड़ियां बना लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है वो एक ठेला जो 4 पहियों का एक हैंड कार्ट होता है ना उस पे रख के ले जाते हैं चूड़ियों को, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों में जो है एक एक आदमी होता है जो उनको घिस कर ले जाता है उस ठेले पे रख के, ऑफ द शेंटी टाउन, टाउन्स की गलियों में ले जाता है, इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स एंड फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज एंड गर्ल्स, अब वो आगे देखती हैं और उसके घर में यूं देखती हैं वो इधर उधर, तो उसको दिखाई देता है कि
कहीं पे तेल का एक, जैसे लाल टेन वगैरह होती है ना, उस तरह का एक तेल का कुछ जला हुआ, लाइट भी नहीं है घर में, है ना। छोटे छोटे बॉयज और गर्ल्स बैठे हैं अपने पापा के साथ, एंड वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और कांच का जो ग्लास है उसको वेल्ड कर रहे हैं, गरम गरम उस कांच को शेप दे रहे हैं चूड़ियों की। क्योंकि शेप देना है बेटा, आप सोच सकते हैं कि जो कांच को शेप दे रहे हैं तो वो कितना, मतलब हीट के साथ में वो कितनी गर्मी होगी वहां पे, कि गर्म कांच को पिघला कर, देखो मोम भी पिघलता है तो हमें कैसा लगता है अगर हमारे ऊपर गिर जाए, तो ये बेचारे तो कांच को पिघाल कर उसको शेप देते हैं, तो क्या होती होगी इनकी लाइफ। और लाइट नहीं, घर में खाना नहीं, कुछ नहीं, दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। तो इससे क्या है, जब छोटे छोटे बच्चे ये काम करने लग जाते हैं तो उनकी आई साइट ही चली जाती है इससे पहले कि वो एडल्ट हो। मतलब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं 18 साल से पहले अंधे हो जाते हैं बेचारे। अब यहाँ पे एक छोटी लड़की है सविता, ये बैठी है इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, पिंक कलर की ड्रेस है, सिट अलोंग एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, ग्लास और कांच को शेप दे रही है। एज हर यंग हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके छोटे छोटे हाथ एक मैकेनिक की तरह चल रहे हैं, बहुत स्पीड से काम कर रही है, लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, मशीन कैसे चलती है वैसे उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्शनिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, क्या बता उसको, उस इतनी छोटी बच्ची, उसको पता ही नहीं है जो वो चूड़ियां बना रही है वो क्या, किस चीज का प्रतीक है। वो चूड़ियां प्रतीक होती है, सिंबोलाइज करती है एक इंडियन वुमेन का सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी के अंदर ये पवित्रता को बताती है कांच की चूड़ियां। इट विल बी डाउन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसकी भी शादी होगी, बहुत छोटी बच्ची है चूड़ियां बना रही है, एक दिन उसके ऊपर भी ये सारी जिम्मेदारी आएगी शादी के बाद। हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, उसके सर पे भी घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथों पे भी मेहंदी लगी, मतलब उसको देखते ही कितनी छोटी बच्ची चूड़ियां बना रही है, तो देखते देखते ये सोच रही है लेखिका। हीना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, तो यही लाल चूड़ियां इसके जो रिस्ट है इसकी कलाई पर लगी होगी। शी विल बिकम अ ब्राइट, एक दिन ये भी दुल्हन बनेगी, लाइक ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, ये भी दुल्हन बनेगी एकदम, और फिर चूड़ियां ही बनाती रहेगी और ऐसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मतलब जब मैं पढ़ाती थी तो बच्चे बड़े, कुछ बच्चे तो बड़े भावुक हो जाते थे इनको, जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, ये कुछ बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं यार कितना बोरिंग चैप्टर है। ऐसे नहीं करना है, हमें फील करना है हमें उस दर्द को कि कितनी तकलीफ में रहते हैं लोग। ओके चलिए यहाँ पर ये सोच रही है, शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु इज बीइंग वन मेनी इयर्स अगो, कई साल पहले ये बूढ़ी औरत भी दुल्हन बनी थी, एक दिन ये छोटी बच्ची भी दुल्हन बन जाएगी, फिर ये भी बूढ़ी हो जाएगी, चूड़ियां ही बनाती रहेगी जिंदगी भर, तो ऐसे इनकी जो लाइफ है वो चलती रहेगी साइकिल। सो शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, ये बच्ची कहती एक कहते हैं एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, उसकी दादी माँ कहती है सो बट नो लाइट इन हर आईज, एक दिन ये भी दुल्हन बनेगी, लाल कपड़े पहनेगी, मेहंदी लगाएगी, लेकिन इसकी आंखों में रोशनी नहीं होगी कि वो खुद को देख सके। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, अब वो दादी कहती है जो उसके पास बैठी है, सविता के पास में उसकी दादी बैठी है, एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया हमने। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसके जो आवाज है उसमें बिल्कुल भी जॉय नहीं, कहीं खुशी नहीं है दूर दूर तक। शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया इसने। दैट्स वाई वॉट शी हैज रीप्ड, हर हजबेंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लावरिंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, उसका जो हस्बैंड है वो कहता है, जिसकी बहुत बड़ी सी दाढ़ी है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता चूड़ियों के अलावा, हम जिंदगी निकल गई साहब, ये चूड़ियां ही बना रहे हैं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, सिर्फ मैं अपने घर बना पाया एक मेरी फैमिली के लिए जो उसमें वो रह सके, बस मैंने अपनी लाइफ में और कुछ भी नहीं किया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ अ बेंगल मेकिंग, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम, बस ये रिंग्स है चूड़ियों को, है ना, ये रिंग्स क्यों कहा है, ये ऐसे रिंग्स, ये बस चूड़ियों की ऐसे ऐसे रिंग्स पड़ी होती है हर घर के अंदर।
यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर ओल्डर्स, जो जवान है वो बूढ़े लोग जो काम कर रहे हैं उसी को करते रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, द यंग मैन एको, मतलब जवान लोग भी यही बात करते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो चिड़िया ही देखी है। लैमेंट मतलब दुख व्यक्त करना, है ना, ऐसे पछतावा करना कि हमारे तो लाइफ ही यही है जी, चूड़िया ही जाए। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कुछ लोग आगे भी बढ़े हैं इनमें। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नबलिंग टॉयल, टॉयल मतलब वर्क, हार्ड वर्क, माइंड नबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। इस लाइन का मतलब समझिए आप ध्यान से, कि इससे ऐसे पता चलता है कि फिरोजाबाद में जो ये काम चल रहा है ना, ये ईयर्स ऑफ माइंड नबलिंग टॉयल, ये जो ईयर्स की हार्ड वर्क जो है, दिल दहला देने वाला जो हार्ड वर्क है, इस हार्ड वर्क ने इन लोगों के सपने देखने की क्षमता ही खो दी है। ये लोग अपने आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ये बस जो काम कर रहे हैं वही करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हम आगे बढ़ा लें, हम कोई शोरूम खोल लें, क्या जो ये कर ही नहीं सकते बेचारे, पेट भर के ही नहीं खा पाते। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। अब इन सारे जो यंग मैन थे वहां पे, उनको लेखिका ने कहा कि अपना खुद का कोऑपरेट हो जाओ ना, तुम लोग सब अलग अलग काम करते हो, एक होके काम करो या कुछ अपना मिलजुल के कुछ करो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द वेशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन। अब एक ये वेशियस सर्कल क्या है, वेशियस सर्कल ऑफ, अब ये मिडिल मैन क्या होता है समझिए थोड़ा सा, मिडिल मैन क्या होता है, ये फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वाले, बैंगल मेकर, ठीक है, ये चूड़ियां बनाते हैं, ये बेचारे क्या करते हैं, चूड़ियों का एक डब्बा मान लेते हैं हम 1 किलो, 1 किलो चूड़ियां जो है ये सिर्फ इनसे इस आदमी को बेच देते हैं 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए में। अब ये मिडलमैन क्या करता है, ये अपना जो है उसमें डब्बा बना देता है और वही चूड़ियों की कीमत कर देता है 80 रुपए, ठीक है। 80 रुपए से इसने कितने कमाए, इसमें से इसने 70 रुपए इसने कमा लिए, इस बेचारे को 10 रुपए दिए जिसने ज्यादा मेहनत की। अब 80 रुपए से, अब ये मान लो यही चीज बड़े शोरूम में जाती है तो उसकी कीमत हो जाती है 125 रुपए, ठीक है। इसने कितने कमा लिए इससे पैसे, 80 इसको दिए थे और बाकी के पैसे सारा प्रॉफिट इसको हो गया जो रिच। अब ये जो है, अब इसमें होता क्या है, रिच तो और भी रिच होते जाते हैं और गरीब बेचारे और भी गरीब होते जाते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ द मिडल मैन। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मिडिल मैन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये बेचारे जो मेहनत तो ये बंदा कर रहा है, इसको सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं और इसको जो कुछ भी नहीं कर रहा है इधर से लाके इधर दे रहा है उसको 80 रुपए, ये मतलब ये है वेशियस सर्कल। तो एक सो व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क हु हैड फॉलन इन टू द वेशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। और इसी मिडिल मैन की वजह से, इसी मिडिल मैन की वजह से बैंगल मेकर के फादर और फोर फादर, फोर फादर मतलब पूर्वज, वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, कभी अगर जब हम ऑर्गेनाइज हो जाए, हम कहते हैं भाई हम भी, हमारी ये जो चीज है इसके हमें भी 50 रुपए मिलने चाहिए, तो क्या होता है, वी आर वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, हमको पुलिस को पकड़वा देते हैं, हमको मारते हैं एंड ड्रैग टू जेल, जेल पहुंचा देते हैं हमको फॉर डूइंग सम, हमारे ऊपर कुछ इलीगल इल्जाम लगा के दे से। देयर इज लीडर अमोंग देम, कोई लीडर नहीं हमारा, नो वन वुड कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई हेल्प नहीं करता उनको, कोई उनको ऐसे नहीं कह सकता कि आप कुछ और काम करो। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन द स्पायरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी। तो एक स्पायरल चलता रहता है इनके जीवन में, ये स्पायरल, ये इस तरह से स्पायरल जिसमें गरीबी होती है दया आती है, भुखमरी गरीबी दया, गरीबी दया भुखमरी, ये सब चलता रहता है। एंड कई बार अगर कुछ अगर कोशिश करे आवाज उठाने की तो जेल में डाल देते, पकड़ के मारते पीटते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टेंट वर्ल्ड,
अब लेखिका यहाँ पे अपना कंक्लूजन दे रही है कि इन लोगों की बात सुनने से मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन टू द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, द अदर्स आर द वेशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट, द पॉलिटिशियन। ये जो आपको मिडलमैन समझाया था ना मैंने, तो ये कहती है मुझे दो दुनिया दिखती है यहाँ पे। एक दुनिया तो ये गरीबों की है और दूसरी दुनिया है मिडिल मैन की, जिसमें पुलिस वाले, साहूकार, पॉलिटिशियंस ये सब आ जाते हैं और वो सब मिलके इन बेचारे गरीबों को लूटते हैं। तो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा मतलब एक दीमक की तरह है, एक कलंक है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैनॉट पुट डाउन, ये ही इन बच्चों के कंधों पर ये चीजें डाल देते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि कोई बच्चा सपने देखने की कोशिश करे, वो अवेयर हो अपनी गरीबी से, इससे पहले वो काम करने लग जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है, अपने सपनों को भी भूल जाता है। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ज्यादा जोश दिखाना तो है ही नहीं उनकी लाइफ में, क्योंकि पुलिस में पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, मारते पीटते हैं। When I sense a flash of it in Mukesh, लेकिन ये कहती है लेखिका कि मुकेश की बात अलग थी। मुकेश ने अपना बैंगल मेकिंग का काम नहीं करके, मुकेश के दादा, परदादा, उसके बड़े भाई तक यही काम करते, लेकिन मुकेश ने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं एक ऑटोमेट मोबाइल इंजीनियर बनूंगा। आई एम चीयर्ड, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के। आई कौन है यहाँ पे? एनी जंग राइटर। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट, वो फिर से कहता है इसलिए मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, गैराज जाता है और सीखता है। बट द गैराज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से गैराज बहुत दूर है। आई विल वॉक, वो कहता है मैं, कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के चला जाऊंगा, छो दूर है तो मैं घर से जल्दी निकलूंगा, पैदल पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो इसको लेके क्या कहती है, कभी तुमने ऐसा सपना देखा है कि तुम एक प्लेन उड़ा रहे हो? ही इज सडनली साइलेंट, चुप हो जाता है, नहीं भाई इतना बड़ा तो सपना नहीं देखा। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे देखता है, कहता नहीं आसमान के सपने मैं नहीं देखता हूँ, है ना, मन में सोच रहा है। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इन टू रेग्रेट, मतलब कि उसकी जो ये बात है, उसकी मर्मर जो किया, मर्मर मतलब धीरे धीरे कुछ बोलना कि नहीं मैंने ऐसा सपना नहीं देखता, मैं ग्राउंड पर ही रहता हूँ, एक एम्बेरसमेंट, एक दुख दिखाई देता है कि इसने एक सपने देखे ही नहीं है कभी। ही इज कंटेंट ऑफ ड्रीम ऑफ कार्स, उसको उसमें सिर्फ कार तक के ही सपने, अभी उससे ऊपर नहीं देखे। एंड ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और वो कहता है हमारे तो यहाँ फिरोजाबाद पे कारें ही ज्यादा है, एयरप्लेन तो बहुत ही कम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं लेसन के बारे में। एनीस जंग जो है एक रेनोड इंडियन स्कॉलर और पोएट है, ठीक है, शी हैज वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थी, तभी इतने लोगों से मिली और जो भी है वो अपना एक जर्नल लिखा। एडिटर फॉर मेजर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एडिटर भी थी, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों गरीबों से बात करती है ना, एडिटर थी इसलिए। शी इज नोटेड स्पेशली फॉर हर लाइफली एंड विविड डिस्क्रिप्शन, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब बहुत अच्छा करती, समझाती बहुत अच्छा था कोई चीज। इन लॉ स्प्रिंग एनी जंग डेपिक्ट्स मिसरेबल, अब लॉ स्प्रिंग में क्या बताया, मिसरेबल और डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द फैमिली, बहुत दुख भरी और सैड, दुख भरी और डिप्लोरेबल मतलब अलग थलग है वो, आम दुनिया से बहुत अलग है इनकी लाइफ। लीड अ लाइफ ऑफ डिप्रिवेशन इज द वेशियस सर्कल ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, शी फोकस ऑन चिल्ड्रन हु आर डूइंग मेनाइल एंड हार्डियस्ट टास्क, और वो कहती है कि छोटे छोटे बच्चे जो कांच को शेप देने का काम करते हैं, ये इनके जीवन जो है वो कितने खतरे में है, और वो चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत छोटी उम्र से ही ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो इस सारी चीजों को वो इसमें बताती हैं। सो देट इज टास्क, ये काम है उनका ताकि उनकी फैमिली की इनकम हो जाए। मोस्ट ऑफ देम कम टू द वेरियस डिजीज, इसी वजह से इनको ऐसी बीमारियां हो जाती है इससे पहले कि वो यूथ हो, जवान होने से पहले ही छोटे छोटे बच्चे बेचारे बीमार हो जाते हैं, कुछ अंधे भी हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे ये समझाने से आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करें एंड शेयर द चैनल एंड शेयर द वीडियो, और आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आंसर समझाने चाहिए एक वीडियो में तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा।